सुलेखन की तीसरी भावना की सील विद्वेष और निरतिशा। इन्हें हम अपने जीवन में जो भी नियम लेते हैं उसे निरतिशा पालन करना चाहिए। बहुत छोटे से छोटा नियम क्यों ना हो, एक नियम भी जैनाचार्य कहते हैं कि आपके जीवन में अगर एक छोटा सा भी नियम है कि जीवन के अंत तक उस नियम का हम पालन करेंगे, मरते दम तक उसमें किसी भी प्रकार का अतिचार नहीं लगाएंगे, तो भी हमारे जैनाचार्यों ने डंडे की चोट पर घोषणा कर दी कि उस व्यक्ति का दुर्गति में जन्म नहीं हो सकता। एक छोटा सा नियम, कल जैसे मैंने बहुत विस्तार से संबंध में चर्चा की थी, और व्रत 12 होते हैं लौकिक अणु में जिसे अपन कहते हैं, तो हमने अहिंसा व्रत की चर्चा की, अहिंसाणु व्रत की, अब चल रही है सत्याणु व्रत की चर्चा कि हम सत्यता में कितने अतिचार से नहीं तो अपना जीवन सत्य के मार्ग पर चला सकते हैं। कल हमने ये भी कहा था झूठ भी बोल सकते हैं मगर लाभ हानि देखेंगे हम, लाभ झूठ बोलने में कितना है और हानि कितनी है। अगर किसी का जीवन जाता है हमारे सत्य बोलने से तो हम सत्य नहीं बोलेंगे, हम झूठ बोल करके उसे बचा देंगे। जैन दर्शन का सत्य बहुत विशालता को लेकर के चलता है, जैन दर्शन का झूठ भी बहुत विशालता को लेकर के चलता है। इन्हें जैन दर्शन इंटेंशन देखता है कि किस कार्य के लिए आपका इंटेंशन क्या है, इन्हें लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है झूठ बोलने का, क्यों बोल रहे हैं झूठ। और सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कोई झूठ बोलता है तो ये महिला है, सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। अभी इनके पीपे में किलो आधा किलो शक्कर पड़ी होगी। अरे सुनो बाजार जा रहे हो क्या, 10 किलो शक्कर ले आना, अरे खत्म हो गई खाने के लिए, तो ये चाहिए वो चाहिए और शक्कर खत्म हो गई, एक दो दिन में जाएंगे। नहीं नहीं आज ही लाना। क्यों भाई आज ही लाना, और शक्कर अभी 1 किलो तो बिल्कुल पड़ी है पीपे में, टेंशन नहीं है। मगर ये झूठ नहीं है, अचानक कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो वो झूठ ना बोलते हुए भी झूठ तो है मगर इंटेंशन क्या है, क्योंकि ये भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ भी है और घुमक्कड़ भी है, न जाने कहां चले जाए, अचानक काम आ जाए, आज कानपुर में है दिल्ली चले जाए, बंबई चले जाए, नसीराबाद चले जाए, कहां चले जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए पहले ला करके रख दो। तो इंटेंशन अगर अच्छा है तो ठीक है, और इंटेंशन बुरा है तो झूठ भी बुरा है, झूठ भी बुरा है, चाहे तुम मजाक में झूठ क्यों ना बोलो। जैसे कल हमने एक उदाहरण दिया था कि एक मां अपने बच्चे को छोटे बेटे के लिए संभाल करके आ गई कि इसे तू संभालना, और उसने झूठ बोल दिया, मम्मी मम्मी बंदर आया, भैया को ले गया। मां बेचारी दौड़ करके छत पे गई, उसने कह दिया बुद्धू बनाया लड्डू खिलाया, मां लौट करके आ गई, दूसरी बार की नहीं हरकत की और तीसरी बार हरकत की मगर वो सत्य थी और उसके भाई को बंदर ले गया। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे हानि हो जाए। हम भी अपने जीवन में विचार करें, सत्य तो बोलना ही है, सत्य धर्म है, सत्याणु व्रत है, मगर इसे कितना हम निर्दोष पालन कर सकते हैं, कितना हम अपने जीवन में इस सत्यता को हृदयंगम कर सकते हैं। और जब तक ये सत्यता हमारे अंदर हृदयंगम नहीं होगी और निरतिचार जब तक हम इसका पालन नहीं करेंगे, हम तीर्थंकर प्रकृति का वंद नहीं कर सकते।
हम कितने बार भी 16 कारण भावनाएं भालें, उपवास कर लें, 32 उपवास कर लें 16 कारण के, एक दिन छोड़ करके एक दिन कर लें 16 उपवास 16 पारणा कर लें, पूनम का एक आसन कर लें, लास्ट में एक आसन कर लें एकम का और एक आसन, ये उपवास कर लें और बीच में 30 दिन के हम एक आसन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भावनाएं में के पहले आपका सम्यक दर्शन विशुद्ध है? क्या दर्शन विशुद्धि आपकी पवित्र है? विनय संपन्नता आपके पास है? क्या आप विनयशील जीवन जी रहे हैं? कितनी विनय है आपके अंदर? इनके चर्चा हम 4-5 महीने कर चुके हैं आगरा के अंदर। विनय संपन्नता के बाद सील वित्वेश निरतिचार, यानी जो भी व्रत आपका है वो कितना निरतिचार पालन हो रहा है ये हमें देखना। आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है वो कितना निरतिचार पल रहा है? आपने अष्टमी चतुर्दशी का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, 10 लाक्षण पर्व का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, 16 कारण भावनाओं का लिया है, अष्टायन का पर्व का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अब वो कितना निरतिचार पल रहा है? क्या मानसिकता में विकार आ रहा है? क्या वचनों में रागान्वित भाषा आ रही है? क्या काय के हाव भाव आपके एक्शन जिसे आप कहते हैं वो अगर वासना से युक्त हैं तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत निरतिचार नहीं है, अतिचार से युक्त है। अतिचार से युक्त और अतिचार से युक्त नियम संयम हमें 16 कारण भावना भाने में यानी तीर्थंकर प्रकृति का वंद करने में बाधक बनेगा, साधक नहीं बनेगा। इसलिए कोई भी नियम लो बहुत आगे पीछे सोच समझ करके लेना। कभी इमोशनल मत हो जाना, भावुक मत हो जाना कि हम भावुक होकर के 4 लोगों के बहकावे में आ गए या कोई परेशानी में होकर के हमने नियम ले लिया। जैन दर्शन पलायनवाद को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन कोई परेशानी में नियम लेने वाले को स्वीकार नहीं करता। नियम तो हो ले जो सब तरफ से सुखी है, सब तरफ से संपन्नता है, स्वस्थ है, सब कुछ है, और फिर वो ये नहीं खाऊंगा, उठाओ इसे, क्यों त्याग करूंगा? खा लो ना, क्यों खा लू? मेरी इच्छा त्याग करने की है, स्वेच्छा से, दबाव से नहीं, प्रभाव से नहीं, अंदर के स्वभाव से त्याग होना चाहिए। और जब तक ये स्वभाव का त्याग हमारे जीवन में नहीं बनेगा तब तक हमारा निरतिचार व्रत नियम संयम का पालन नहीं हो सकता। 6 कदम ने 3 शिष्यों के लिए 5-5 रुपए देकर के कहा था कि जाओ चने खरीदना और चने खरीद करके बेच करके 5 रुपए वापस लाना। मगर उनका जो बेटा था 6 कदम का, उसने 5 रुपए के चने खाए और खरीद करके खा गया। उसने विचार भी नहीं किया कि गुरु जी ने कहा था कि 5 रुपए पुनः वापस लाना है। मगर बशु ने और नारद ने 5 रुपए को चने ले लेकर के बेच करके 5 रुपए कमा लिए और 5 रुपए के चने फूल लेकर के खा लिए और 5 रुपए गुरु को वापस दे दिए। इन्हें गुरु की आज्ञा का निरतिचार पालन किया, निरतिचार पालन किया। ऐसा ही अगर हम अपने जीवन में जो भी नियम लेते हैं अच्छे अच्छे शब्द लगा देना, नहीं तो कोई दारू पीने का नियम ले लें, महाराज मैं दारू पीऊंगा, मैं बियर बार में जाऊंगा जहां लिखा है माई डियर कम हियर ठंडी बियर, मैं जाऊंगा महाराज निर्दोष पालन करूंगा प्रतिदिन पीऊंगा, नहीं। इसलिए मैंने विशेषण लगाया अच्छे नियम, और अच्छे नियम क्योंकि दारू पीने के लिए तो अच्छा कहेगा, दारू पीने वाला तो दारू पीने वाले की अच्छी बात कहेगा, नहीं। अच्छा कौन निर्णय करेगा अच्छे और बुरे का? सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, विवेकशील पुरुष, प्रतिष्ठित पुरुष, सज्जन परिवार के लोग,
जिनके घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक कोई व्यसन नहीं हुआ है, जिनके घरों से त्यागी व्यति बनते चले आए हैं, जिनके घर में धर्म आत्मा की पर्याय बनकर के रहता है, ऐसे परिवार जिस चीज को स्वीकृति दे दें वो मान्य होगा, और जिसके घर के लोग खुद ही अव्रती हैं, विष्णु से युक्त हैं, वो तो विष्णु का ही समर्थन करेंगे। एक गुटके वाले से पूछो, गुटका खाना बहुत अच्छी चीज, अरे महाराज तुम क्या जानो गुटका खा कर। हमसे पूछो रजनीगंधा खाते हैं बड़ा आनंद आता है, बिमल खाते हैं बहुत अच्छा लगता है, केसर युक्त, वो केसर युक्त नहीं वो कैंसर युक्त है। और गुटका की कितनी अच्छी, जिसने भी इसका नाम गुटका दिया होगा वो भी बहुत अच्छा फिलॉसफर होगा, मेरी दृष्टि में बहुत समझदार होगा। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि इसका ऐसा अर्थ निकल सकता है। एक बच्चा मेरे पास आया, खेल रहा था छोटा सा, जैसे ये बच्चा बैठा इसी के समान एक बच्चा, उसके मम्मी पापा मेरे पास बैठे थे, वो बच्चा बाहर खेल रहा था, बाहर चला गया मंदिर के बाहर, एक चमकीला सा कागज उसको दिख गया, उसे अच्छा लगा, वो लेकर के आ गया। उसके मम्मी, अरे बेटा क्या लाया, फेंक 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 गंदी चीज। महाराज जी मम्मी कितना अच्छा लग रहा है, देखो चमक रहा है ना, मेरे को मेरे साथ आ गया पूछने, महाराज जी चमक रहा है ना, मैंने कहा नहीं ये गंदा है, इसमें क्या लिखा है महाराज, तुमने कहा गुटखा, क्या, मैंने कहा गुटखा, इसका निवृत्ति चार पालन करेंगे, सोचें नियम, जैन कुल में जन्म लेकर के और ऐसी गंदी चीजें खाने वाले व्यक्ति कैसे जैन हो सकते हैं, कैसे जिनेंद्र के भक्त हो सकते हैं, और कितना बड़ा अपने जीवन में अत्याचार करने वाले हो सकते हैं, विचार करना ही चाहिए। तो ये डाउट जब गुरानी को हुआ, छीर कदम से कहा कि आप बेटे को ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, दूसरे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, महिलाओं की आदत होती है, अगर खुद के पति मान लो मास्टर हैं और उसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे के नंबर कम आते हैं तो आंखें किसको दिखाई जाती है, पति को। अगर घर का केस वकील ले ले और सफल नहीं हो रहा है तो श्रीमती गई, अपने घर के केस को नहीं जिता पा रहे हो, पता नहीं तुम दूसरे के केस को कैसे जिताओ, अरे दूसरे के तो मैं चुटकी में जिता दूं, टेबल तोड़ के दिखा दूं, घर का मामला है ना, घर के लोग खींचतानी कर रहे हैं, जो तेरे बड़े पापा है ना, हाँ ताऊ जी हाँ, वो उस वकील को भड़का रहे हैं, वो वकील से मेरी सेटिंग हो गई है मगर वो भड़का रहे हैं, पता नहीं उनका क्या चाह रहा है, दादाजी सब कुछ करके चले गए मगर ये बीच में विघ्न डाल रहे हैं, ये अतिचार लगा रहे हैं, इसलिए घर का केस घर का वकील नहीं लेता। तो ये हम अपने जीवन में देखें, मगर वो गुरानी यही कह रही है पंडित जी साहब से उपाध्याय से कि आप ढंग से नहीं पढ़ा रहे हो। उन्होंने कहा एक बुद्धि का परीक्षण तो मैंने करा दिया, दूसरा परीक्षण कराता हूं, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे बेटे की कितनी बुद्धि है और इनकी कितनी बुद्धि है। विचार कर रहे थे छीर कदम की क्या किया जाए, उसी समय राजकुमार वसु ने कोई ऐसी हरकत कर दी कि उपाध्याय छीर कदम को वो पसंद नहीं आई, उन्होंने उसे बहुत डांटा और मारा भी, क्योंकि पहले विद्यार्थियों को मारने की भी छूट थी और नीति थी मार पड़े धम्म धम्म विद्या आवे छम्म छम्म। पहले के टीचर बहुत अलग तरीके से मारते थे, उंगलियों में उंगली पेंसिल फंसा करके और ये उंगलियां दबा देते थे, पेट में चकोटी काटते थे, बच्चे की हाइट बढ़ जाती थी। कैसे बढ़ जाती थी हाइट, कि उसके पेट में चकोटी लेते थे, बच्चा यूं ऊपर उठता चला जाता था, छोटे छोटे कंकड़ उठा करके कान की लौड़ी में फंसा करके यूं दबाते थे, कहते यहां पॉइंट होते ज्ञान बढ़ता है। तो तरीके थे, मुर्गा बना देते थे।
अनेक अनेक प्रकार से, मगर विद्यार्थी थर थर कांपते थे, डेस्क के ऊपर खड़े कर देते थे। दूसरे दिन से विद्यार्थी निरति चार पालन करता था अपने अध्ययन का, सारा होमवर्क पूरा करके आता था और गुरु को प्रसन्न कर लेता था। मगर जो पर्वत था, उनका जो सगा बेटा था नारद और बशु, बहुत मेहनत करते थे, मगर किसी कारण से उपाध्याय जी ने बसु को मारा। गुरानी ने आकर के बीज बचाव किया और बीज बचाव होने पर बसु को वो अपने पास ले गई और उसे पुचकार करके, कुछ खिला पिला करके पुनः उसे वापस बिठा दिया क्लास में। बसु राजकुमार था, उसने कहा, गुरानी माँ, तुमने मुझे बचाया है, बोलो आप क्या चाहती हो, मैं अपने पिता से ला करके तुम्हें दूंगा। पंडित की पंडितानी बहुत लोभी होती है, लालची होती है, और पंडित भी लालची होता है। बहुत कम पंडित मिलेंगे जो लालची नहीं होते, और वह कहती है, क्या दोगे तुम मुझे, तुम जो मांगोगी गुरु मां मैं वो दूंगा। उसने सोचा, अभी तो ये राजकुमार है, कभी तो ये राजा बनेगा, और राजा बनेगा जब इससे कुछ मांगेंगे तो कुछ अलौकिक मिलेगा। उसने कहा, राजकुमार अभी मेरा वरदान तुम रख लो। मगर राजकुमार भूल गया कि एक स्त्री के लिए मैं किमिक्षित दान दे रहा हूं। स्त्रियों को कभी किमिक्षित दान मत दे देना, मत कह देना कभी मांग ले तुझे क्या मांगना है, प्राण मांग सकती है, कभी नहीं देना। नीतिकारों ने कहा नपुंसक को, यानी किन्नर को, स्त्री को, बालक को, अनजान व्यक्ति को कभी भी किमिक्षित दान मत दे देना, जो मांगना है मांग लो, कभी नहीं देना बंधु। राजा दशरथ ने केकई को दिया, क्या मांगा, क्या मांगा, भरत को राजगद्दी, वैष्णो दर्शन से राम को 14 वर्ष का वनवास, और भरत को राजगद्दी। जैन दर्शन के अनुसार राजगद्दी मांगी गई, भरत के लिए वनवास नहीं मांगा गया। और वही इतना दर्दनाक हो गया वो वनवास कि राजा दशरथ को भी वैष्णो दर्शन के अनुसार मरना पड़ा। जैन दर्शन से तो वो मुनि बन गए। तो वरदान जिन जिन स्त्रियों को दिए गए किमिक्षिक, उन्होंने विनाशी किया, विनाशी किया। बंधुओं इतिहास उठा करके देख लो, इतिहास साक्षी है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, नीतिकारों ने कहा, संत महंत भगवंतों ने कहा कि कोई भी कार्य करने के पहले बहुत विवेक की आवश्यकता है। कुछ भी देने के पहले विवेक किसे हम दे रहे हैं, कौन उसका सदुपयोग करेगा और कौन दुरुपयोग करेगा। राजकुमार था बसु, अब उसने कह दिया कि जो आप चाहें, उन्होंने कहा हम बाद में ले लेंगे।